शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे अरे एक मिनट, एक खास बात बताना तो भूल गया मैं। क्या? देखो ना, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? चाचा, मैंने क्या किया? इसमें लिखा है। अरे जीजा जी, बहना, अरे मुबारक हो, दीजिए, मुंह मीठा कीजिए। क्या भैया, घर में मातम छाया हुआ है और तुम जश्न मना रहे हो, मिठाइयां बांट रहे हो? यही तो रोना है। अरे इस घर में मुझे कोई कुछ समझता ही नहीं। आज एक नहीं दो खुशखबरी लेके आया हूँ। लंदन से सेठ पीताम्बर बजाज का लड़का विकी आ रहा है। अरे जिससे हमारी काजल का ब्याह तय हुआ है। तेरी अकल क्या खास समझेगी ये बातें? ये खुशखबरी? विकी आ रहा है और काजल घर में नहीं है, क्या जवाब देंगे उन्हें? अजी यही बात तो बताने के लिए आया हूँ मैं आपको। हमारी बेटिया चंदनपुर में किसी किशन के घर में रह रही है। सच? हमारी बेटी मिल गई? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। चाहिए, हमारी बेटी को लाइए। अरे बबलू, चिंटू बात है वहाँ से। चिंटू, अरे काजल कहाँ हो? अरे वाह, अरे राजा, ए पकड़ लिया, ए राजा, अरे पकड़ लिया। छोड़ो ना राजा, नहीं छोड़ो, छोड़ो ना काजल दीदी, आओ प्लीज, छोड़ो प्लीज राजा। कैसे छोड़ दूँ? आओ, बच्चे देख रहे हैं, छोड़ो ना। बहुत मुश्किल से हाथ आई हो राजा, प्लीज। अरे तुम तो आउट हो चुकी हो, भाग आ रही हो। हाँ, वो तो हमने भी देखा है, काजल दीदी आउट हो चुकी है। अब तुम्हारे पट्टे बांधेंगे, चलो। राजा, चिंटू, राजा, बबलू, आओ, आओ ना, आओ, आओ, आउट, 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 माँ बाप के लिए इससे बड़ी सजा और क्या होगी कि औलाद उनके साये से भी दूर भागे। यह दूरी करीबी में बदल सकती है, बस आप दोनों को अपना फैसला बदलना होगा। हमारी मौजूदगी इस बात की दलील है कि हम बदल चुके हैं। मैं नहीं मानता किशन भैया, इसमें भी इन लोगों की कोई चाल है। तुम्हारा शक करना जायज है बेटे, क्या कुछ जुल्म नहीं ढाया हमने तुम पर, लेकिन कयामत हम पर भी आई है। तुम्हें काजल से दूर करने की कोशिश में हमने अपनी बेटी गंवा दी। मुझे दुनिया वालों का खौफ नहीं है, लेकिन घर की दीवारें मुझसे पूछती हैं, कहां है तुम्हारी बेटी? सुमन इसके कब्रे में बैठी, इसके कपड़ों को लिपटाए रोती रहती है, कभी इसकी किताबों को चूमती है, कभी इसकी तस्वीरों को लिपटाती है। हराहट पर दादी बात चौंक कर पूछती है, आगे मेरी काजल? और मैं, मेरे पास इन्हें तसल्ली देने के लिए शब्द तक नहीं बचे। डैडी, बेटा, बेटी को तो गले लगा लिया, दामाद को गले नहीं लगाओगे? आजा बेटा। किशन साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे बच्चों को पनाह दी। अगर आप इजाजत दें तो मैं इन्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूं। बेशक, मगर इन दोनों की शादी के बाद। लेकिन काजल तो 18 साल की नहीं हुई। हम जानते हैं भाभी जी, इसलिए हम इन दोनों की सगाई कर देना चाहते हैं। आपका फैसला सर आंखों पर, बस एक विनती है,
अगर इन बच्चों की सगाई हमारे यहां होती तो इन्हें अपनी दादी का आशीर्वाद मिल जाता। बाकी जैसी आपकी मर्जी। दादी माँ का जिक्र करके आपने मुझे मजबूर कर दिया। जाओ काजल। ए राजा, अपनी सगाई में इस भैया भाभी को बुलाना मत भूलना। God bless you। अच्छा, इजाजत दीजिए। नमस्ते। जा। चलो राजा, आओ काजल। नमस्ते जी। नमस्ते। माँ दादी। हाँ। हाँ माँ दादी। मेरी बच्ची। मेरी बेटी काजल। मेरी काजल। मुझे आपकी बहुत याद है माँ दादी। कहाँ गई थी? माँ दादी। दादी माँ। हाँ। इसे ऊपर ले जाइए। हाँ हाँ। चल चल मेरे साथ चल। भगवान ने मेरी सच मुझ सुन ली। आ गई मेरी जान में जान आ गई। अब तुम यहाँ किस लिए खड़े हो? तुम क्या समझते हो कि तुम्हें यहाँ शादी कराने के लिए लाए हैं? भूल जाओ काजल को, क्योंकि उसकी शादी लंदन के सबसे कामयाब बिजनेसमैन पीतांबर बजाज के बेटे विक्की से होने वाली है। तूने ही कहा था ना, सैलाब आने वाला है, हमें बच के रहना चाहिए। अरे तू तो एक तिनके की तरह जीजाजी की एक फूंक से उड़ गया। अब तू यहां से जाता है या धक्के मार के बाहर निकालूं? अरे अबे वहां कहां जा रहा है तू? जीजाजी। माँ दादी। हाँ? किशन भैया और राधा भाभी मुझे बहुत प्यार करते हैं। हाँ? वो दोनों मुझे सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करते अच्छा? हैं। वो लोग बहुत अच्छे हैं। प्रणाम दादी माँ। जी चलो बेटा। आओ काजल। राजा। चलो काजल। क्या हुआ? अरे काजल, You are under arrest. मैं तुम्हें एक नाबालिग लड़की को अगवा करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करूंगी मामा। बेवकूफी मत कर। अभी तो तेरे डैडी ने उस कमीने को सिर्फ पुलिस में पकड़वाया है। अगर तूने इस सगाई से इनकार कर दिया तो ऐसा ना हो कि वो पुलिस स्टेशन से जिंदा ही ना लौटे। जल्दी से तैयार हो जा। माँ के सारा इंतजाम तो ठीक से हो गया ना? उसकी फिक्र मत कीजिए। भाई ये क्या बात है, आज सगाई का दिन है और पीतांबर जी अभी तक नहीं आए। जी वो अंकल। अरे जीजा जी, आप उनके कारोबार को तो अच्छी तरह जानते हैं। कभी लंदन तो कभी न्यूयॉर्क तो कभी हांगकांग। उन्होंने कहा है कि सगाई के शुभ कार्य को ना रोकें। परसों की फ्लाइट से हिंदुस्तान आने वाले हैं। जी आ गई। हाँ? आओ बेटी आओ। जीजा जी शुरू कीजिए ना। हाँ हाँ। ये लो बेटा। ये लो बेटा। हाँ हाँ। काजल। डॉबिट। क्या बात है इंस्पेक्टर? इन साहब का यह दावा है कि लड़की आपकी बेटी नहीं
बल्कि इनकी बहन है। What nonsense! सारा शहर जानता है कि काजल दुर्गेश महेश्वरी की बेटी है। लेकिन इनका कहना ये है कि ये इनकी बहन किरण है। अरे वाह इंस्पेक्टर, कल को ये किसी भी खूबसूरत लड़की को कहेंगे कि वो इनकी पत्नी है, क्या आप मान लेंगे? इनके पास सबूत है। देखिए इंस्पेक्टर, ये महज इस सगाई को रोकने की एक नाकाम कोशिश है। जी नहीं, ये इस सगाई को रोकने की मुकम्मल कोशिश है। कुत्तों के भौंकने से हाथी नहीं बौखलाया करते। लेकिन कभी कभी मामूली चींटी भी हाथी के लिए जानलेवा साबित होती है। सुमन, काजल का बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट वगैरह लेकर आओ। जी। ये रहा मेरी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट, ये उसका आइडेंटिटी कार्ड और ये उसका पासपोर्ट, देख लीजिए। ये बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक मेरी बेटी को अभी बालिग होने में 2 हफ्ते बाकी। अगर बालिग हो गई होती तो आज उसकी सगाई पर नहीं शादी पर मौजूद होते आप लोग। मैं अपनी बहन की शादी तो राजा के साथ तय करना चाहता हूं, और मेरी बहन की उम्र इस वक्त 20 साल है। यह रहा बर्थ सर्टिफिकेट और यह रहा पासपोर्ट। ये सब बनावटी है, जाली। आज के दौर में नकली क्या नहीं बन सकता इंस्पेक्टर? सबूत जाली हो सकते हैं, रिश्ता नहीं। हाँ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। काजल, तू हमारी बेटी है ना? इंस्पेक्टर को बता दे कि आदमी तेरा कोई नहीं लगता। आप बोलती क्यों नहीं? आप दुर्गेश महेश्वरी की बेटी हैं या किशन बंसीधर की बहन? आप बोलती क्यों नहीं? मैं दुर्गेश महेश्वरी की बेटी नहीं, मैं किशन भैया की बहन किरण हूँ। काजल, ये क्या तमाशा कर रही है? तू होश में तो है काजल? क्या कह रही है तू? भैया घर चले। काजल, लुक मिस्टर, आइंदा किसी शरीफ आदमी पर गलत इल्जाम लगाकर कानून को गुमराह न करें। एक मिनट इंस्पेक्टर, रस्में दुनिया भी है, दस्तूर भी है और मौका भी। मैं आप सबके सामने अपनी बहन किरण की सगाई राजा से तय करता हूं। लो राजा, अंगूठी पहना दो। बेटी की सगाई पर ताली नहीं बजाओगे? चलो राजा। ओम नंदी मंगला काली भद्रकाली कपालनी द्वारका च संसादि सासना। कितने बेसुरे हैं! उफ, तौबा तौबा तौबा, क्या कर रहे हैं ये लोग! ए चुप! शादी की शहनाई बजा रहे हो या मातम की? ऐसी शहनाई सुनकर तो मेहमान भाग जाएंगे। ठीक से बजाओ, ठीक से बजाओ, नहीं तो हम बजाकर दिखाएं। हैं, बजाओ। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके चरणी धन्ये गौरी नारायणी नमस्ते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम श्री गाचाय।
लोकेनाथं नमामि ॐ अग्ने स्वाहा ॐ जलदे स्वाहा ॐ रावे स्वाहा ॐ केतवाय नमः स्वाहा मिस्टर किशन यह शादी नहीं हो सकती क्यों बहन की शादी करवाना जुर्म है बहन की शादी कराना जुर्म नहीं है लेकिन किसी की बेटी को बहलाकर जबरदस्ती उसकी शादी कराना जुर्म है मैं साबित कर चुका हूं कि यह आपकी बेटी नहीं बल्कि मेरी बहन किरण है कानून की नजरों में तुमने धूल झोंकी है यह लड़की सेठ दुर्गेश महेश्वरी की बेटी है तुम्हारी बहन तो आज से 2 साल पहले मर चुकी है यह रही उसके डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी मैं आपको और राजा को एक नाबालिग लड़की को बहकाकर उसकी जबरदस्ती शादी करवाने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं इंस्पेक्टर तो इन दोनों को अरेस्ट कर लो राइट कम ऑन मूव इसे कहते हैं 100 सोनार की 1 लोहार की तूने हमारे घर में घुसकर विकी और काजल की सगाई रोकी थी ना अब मैं इनकी शादी के लड्डू जेल में आकर तुझे खिलाऊंगा तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी मामा काजल कमिश्नर साहब मेरे भैया और राजा को छोड़ दीजिए सवाल ही नहीं उठता भांजी ये दोनों तो अब गए कमिश्नर साहब आपने इन्हें इसलिए गिरफ्तार किया है ना कि इन्होंने एक नाबालिग लड़की की शादी कराने की कोशिश की जी डैडी आज तारीख क्या है 22 अगस्त 22 अगस्त यानी आपकी बेटी का 18वां जन्मदिन कानून के हिसाब से आज मैं पूरे 18 साल की हो चुकी हूँ और एक बालिग लड़की को उसकी मर्जी से शादी करने से धर्म समाज और कानून कोई नहीं रोक सकता Am I right? Yeah, that's right. इंस्पेक्टर छोड़ दो इन्हें ये आप क्या कर रहे हैं कमिश्नर साहब इस बच्ची का तो दिमाग खराब है लेकिन आप तो समझदार हैं रोकिए इसे इस भूखे नंगे से शादी करके अपनी जिंदगी नरक बना रही हो तो सिवाय गरीबी और जिल्लत के ये तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते जिंदगी के 18 साल तुम ऐशो आराम में पली हो और तुम्हारी बाकी की जिंदगी में 18 मिनट की खुशियां देने की औकात नहीं है इसकी आप 18 मिनट की बात करते हो डैडी मैं तो राजा के साथ 18 जन्मों का दुख भी खुशी से बांटने को तैयार हूँ लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ नहीं होने दूंगा ये शादी किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा मिस्टर महेश्वरी आप अपने जज्बातों पर काबू रखिए अगर आप ये शादी रोकने की कोशिश की तो मुझे मजबूरन आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा इज दैट क्लियर इंस्पेक्टर चलो क्यों मामा इस मौके पर कोई मुहावरा याद आ रहा है अरे तुम लोग चुप क्यों हो बजाओ ये हुई ना बात भाई साहब हमें उम्मीद तो नहीं थी कि आप इस शादी में आएंगे मगर आ ही गए हैं तो आशीर्वाद जरूर देके जाइएगा या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है किशन भैया से छोड़ दो मुझे चल मेरी शादी नहीं करूंगी कैसे शादी मैं नहीं होने दूंगी चल काजल चल मेरे साथ चल तू दादी माँ मत हाथ लगा मुझे मर गई तेरी दादी माँ अरे तू कैसा बाप है रे देख देख अपनी बेटी की बेबसी और लाचारी तो देख
दौलत और आराम तो तूने बेपनाह दिया उसे, लेकिन ममता की दौलत से वो हमेशा महरूम रही और तू औलाद की मोहब्बत से। सुना था ये बेटी के आंसू उसके दामन पर नहीं माँ के दिल पर उतरते हैं, लेकिन तेरा कलेजा तो पत्थर का हो गया है, पत्थर का जो उसकी चीखें सुनकर करवट तक नहीं लेता। और एक वो दिन क्या लगता है इसका न खून का रिश्ता है न दूध का, सिर्फ भाई ही तो कहती है वो उसे, लेकिन उस रिश्ते के लिए वो अपनी जान तक देने को तैयार है। और तुम दोनों अपनी ही बेटी की जान लेने पर तुले हुए हो। बस दादी माँ, आपकी बातों ने मेरे ममता को झिंझोड़ दिया, अब मैं अपनी बेटी के साथ कोई अनर्थ नहीं होने दूंगी। हाँ। कोई अनर्थ नहीं होने दूंगी। मुझे माफ कर दो दादी माँ, मुझे माफ कर दो, मैं काजल की खुशियां अब नहीं सुनूंगा। काजल की शादी वही होगी जहां वो चाहेगी। हाँ। उसकी शादी राजा के साथ ही होगी दादी माँ। हाँ दादी माँ, राजा के साथ। चीरा, छोड़ दो इन सबको। अरे छोड़ कैसे थे दुर्गेश भैया? अरे काय का भैया, कौन सा सगा भाई हूं मैं तेरा? औलाद नहीं होती थी तो तेरे बाप ने मुझे गोद लिया था, और तेरे पैदा होते ही मक्खन से बाल की तरह मुझे बाहर फेंक दिया। लेकिन मैं भी गिद्ध की तरह तेरी तेरे छत पर बैठा रहा। काजल के पैदा होते ही मैंने फैसला कर लिया था कि इसकी शादी मैं अपने बेटे विक्की से कराऊंगा। आपका बेटा? हाँ। अरे ये कोई पीताम्बर बजाज का बेटा नहीं है, बांके का खून है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा। चीरा देख क्या रहा, ले चल, चल, ले चल। किशन भैया, किशन भैया, किशन भैया, किशन भैया, किशन भैया। Thank you.
मेरे बेटे की जान बख्शे, हमें माफ कर दे किशन, हमें माफ कर दे, माफ कर दे। चल जा यहां से। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुण्डरीकाक्षाय मंगलम तनयो हरि ओम अग्निर्दन स्वाहा ओम मण देवता स्वाहा ओम पृथ्वी देवता स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा। वाह राजा भैया, आखिर में टाका मार ही दिया ना, टाका लगा के।